खंडवा ग्रामीण जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने रचना तिवारी के नेतृत्व में कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न हुई स्थानीय समस्याओं के निदान की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम लिखित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल माफ करने, निजी शैक्षणिक संस्थानों के सुचारू संचालन तक शैक्षणिक शुल्क माफ करने, गरीबी रेखा से बाहर मध्यम वर्गीय परिवारों को समुचित खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, दैनिक कामगारों को राहत राशि देने जैसे 8 अलग अलग बिंदुओं पर मांग की गई। ज्ञापन देते वक्त हेमलता पालीवाल सहित विभिन्न कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थी। समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को गरीबी रेखा से बाहर मध्यम वर्गीय व निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को समुचित खाद्यान्न उचित माध्यम से उपलब्ध कराया जाए और राज्य सरकार दैनिक कामगार जैसे केश शिल्पी, बांस शिल्पी, वस्त्र शिल्पी, चर्म शिल्पी, मृतिका शिल्पी, हम्माल, ठेला धारक, ऑटो चालक और फुटकर फल एवं सब्जी विक्रेता अन्य जैसे कामगारों लोगों को भी राहत राशि पहुंचाएं उनके खाते में। महेश पटेल की रिपोर्ट।